मतलब जो लोग करियरवादी लोग हैं, सोशल जस्टिस के सवाल पर अपना करियर संगाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, टीचरों का चापलूसी करके यहाँ पर प्रोफेसर पोस्ट पे बहाल होना चाहते हैं, इन लोगों के पास एक सवाल ये है, ये जो बोलते हैं कि क्रांतिकारी है, जो करियरवादी जो लोग हैं, जो करियरवादी लोग हैं वो एक अवसरवाद होता है। जो लोग यहाँ पे बहुत सारे मार्क्सवादी साथी हैं, मार्क्सवाद के अंदर यूएसएसआर के समय से, लेनिन के जमाने से डिबेट आया है, जो रिविजनिज्म है, जो अवसरवाद है, उस अवसरवाद को आप लोग समझ रहे हैं। और ये जो अवसरवाद है, जो उस समय वहाँ की जो लेनिन के खिलाफ जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी वो नस्ते नाबूद हो गई। अगर इन लोगों को लगता है कि पूरे देश से वामपंथ उखड़ रहा है, जो भी हो बचा लो, जितना भी हो बचा लो, मैं कहना चाहता हूँ पूरे दुनिया में वामपंथ कॉम्प्रोमाइज के बेस पर नहीं बचा है, पूरे दुनिया में वामपंथ कॉम्प्रोमाइज गद्दारी का आधार पर नहीं बचा है। अगर देश के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में वामपंथ बचा है, वो ऐसा करके बचा है, वो संघर्ष करके बचा है। आपको लगता है जेएनयू में हम बचा लें? आने वाला चुनाव आएगा, क्या फैसला होगा हमको नहीं पता, जनता जनार्दन क्या फैसला करेगी हमको नहीं पता, और जनता रावण क्या फैसला करेगी हमको नहीं पता। अगर किसी को लगता है कि जनता जनार्दन चुन के भेजती है और जो लोग नहीं उनको वोट की वो जनता रावण है, हम मानते हैं इस कैंपस के अंदर भी जो जनता रावण है वो भी फैसला करेगी। और इन सारे सवाल जब एक साथ इकट्ठा होता है, इलेक चंदू का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं, अभी अब इस कैंपस में यूनियन है, मैं उस दौर का बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ करता, जेएनयू के इलेक्शन रुके हुए थे, सवाल था लेकिन दो, और उस समय यहाँ पर एक फोरम बना था ऑपरेशन ग्रीन हंट के अगेंस्ट, तभी कोई यूनियन नहीं होता, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, उसके ऊपर प्रशासन ने बैन कर दिया कि उस फोरम का एक भी पर्चा पोस्टर कोई भी एक्टिविटी इस कैंपस में नहीं कर सकती। हम लोगों ने इसी एड ब्लॉक के नीचे संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और प्रशासन को वो बैन हटाना पड़ा बिना यूनियन के। लोग कहते हैं कि जेएनयू के लीडरशिप से लड़ाई लड़ाई, जब सुचेता का यूनियन आया था तो यमुना के हॉस्टल वार्डन का एक सवाल आया था, उसमें भी यूनियन साथ नहीं दिया था, वार्डन को हटना पड़ा, बिना यूनियन के वो लड़ाई जीती गई। उसके बाद पीप एंड पोल फेस्टिवल का यहाँ पर एक सवाल आया, हमारे एक साथी को सस्पेंड किया गया, उसमें भी यूनियन नहीं आया, उस लड़ाई को भी हम लोग जीते। उसके बाद सतलज के वार्डन ने एक स्टूडेंट पे 10,000 रुपये का फाइन किया था, इलीगल गेस्ट का, उस लड़ाई में भी यूनियन नहीं आया, उस लड़ाई को भी जीते। हमारे सस्पेंडेड साथी दिलीप हैं, माई मान्यू का प्रेसिडेंट हुआ करते थे और कूड़ा फेंकने के जगह का डंपिंग ग्राउंड का एक सवाल, उसने भी माई मान्यू के सामने रोड जाम करके एक लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को भी बिना जेएनयू के जीता गया। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय के सवाल पर यूनियन हमारे साथ आएगी, स्वागत करेंगे, यूनियन नहीं आएगी तब भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे। यूनियन के भरोसे उधार की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई नहीं हो सकती। सोशल जस्टिस की लड़ाई उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ हम लोग एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में अंदर गए थे, उसी जज्बे के साथ आज लड़ रहे। सस्पेंड हुए, आप लोग देख रहे होंगे कि सस्पेंशन का सवाल, अगर इस कैंपस में वो नौ स्टूडेंट सस्पेंड नहीं हुए होते तो ये लोग इस सवाल को भूल गए, लेकिन सस्पेंड होते या नहीं होते हम लोग के लिए वो सवाल जीने मरने का सवाल है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग कहते हैं कि यूनिटी ब्रेक कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इनफॉर्मल लेबर का के शिक्षक हैं, अभी मैं जा रहा था उधर से, तो उन्होंने कहा कि यार किसी तरह ठीक करो, तो अब मैंने बोला कि सर ये जो है ये ठीक कैसे होगा आप बताइए। तो कहा कि यार ऐसे तो यूनियन डिलेजिटिमाइज हो जाएगा, तो हम बोले सर तो यूनियन को भी काम करना चाहिए अपनी लेजिटिमेसी को फिर से पाने के लिए। बोला यार वो बात तुम्हारी समझ रहे हैं लेकिन यार कुछ ठीक कर। हम बोले सर ये जो कुछ ठीक कर
करो है, ये हमारे ही माथे क्यों गिरता है, ये कुछ ठीक करो सर, कभी उनके भी लोगों को बोलिए। तो सब बोले कि सर सवाल कुछ ठीक करो का नहीं है, सवाल सामाजिक न्याय का है, सामाजिक न्याय के लड़ाई पे आप लड़ेंगे ईमानदारी से छात्रों के भरोसे के साथ, तो आपके बिना बोले इस कैंपस में सब जो कुछ है वो ठीक हो जाए, हमको आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तो बोला कि यार ये जो दूरियां है, ये जो गैप है बढ़ता जा रहा है। तो हम बोले कि सर आप तो टीचर्स हैं, तो आप ही कुछ पहल कर लीजिए, आपके पास कोई आइडिया है यूनियन को बोलिए इस सवाल को लेकर के संजीदगी के साथ। तो आखिर में बोले कि यार मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तो मैंने कहा कि सर बात वो नहीं है, बात यह है कि आप यूनियन को नहीं समझा सकते, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही क्रांतिकारी किताब का विमोचन हुआ, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि नेशनलिज्म का सवाल बहुत ही क्रांतिकारी सवाल है। वो इतना बड़ा सवाल था कि सेडिशन के अगेंस्ट लोग लड़े कि सेडिशन नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लीड किया तथा कथित तौर पे उस सीपीएम की सरकार केरल में है, मुख्यमंत्री सीपीएम का है, अभी हाल में क्या किया केरल में लोगों को सेडिशन लगाया जा रहा है। जब विनायक सेन के ऊपर सेडिशन लगा था, ये लोग क्या कर रहे थे, यूपीए फर्स्ट चला रहे थे। जब सेडिशन की बात होती है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सेडिशन का चार्ज झारखंड के अंदर लगा है, झारखंड की तो कहीं बात ही नहीं हुई पूरी किताब में। नेशनलिज्म का बात हुआ, भाई आदिवासी भी तो इस देश का नागरिक है, आदिवासी नेशनलिज्म किधर गया? जब आदिवासी नेशनलिज्म किधर गया ये बात आएगी, तो आप कहेंगे कि नहीं 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 ये लोग टीचर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे हिस्ट्री के प्रोफेसर हम लोग को समझाने आई, उनका भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो हिस्ट्री सेंटर में एक प्रोफेसर जिसने डिसेंट किया था कि वाइवा का नंबर कम होना चाहिए, उन्हीं से बात हो रही थी, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो चल रहा है, हम लोग तो JNUTA में एक समझदारी नहीं बन सकता है, JNUTA पोजीशन नहीं ले सकता। तो मैंने बोला कि जब पिछले साल का JNUS होता है उसमें ABVP का भी एक मेंबर था, अभी कुछ देर पहले इधर से गए हैं माननीय सौरभ शर्मा जी, तो वो जो माननीय थे वो JNUS में इलेक्टेड थे, फिर भी JNUS के UGPM में कई सारे सवाल जो प्रगतिशील सवाल थे उनको हम लोगों ने टेबल किया UGPM में, वो सवाल जीते। मैं मानता हूँ कि वो सवाल हार भी जाते UGPM। तो मैंने कहा कि आप कुछ मत कीजिए, JNUTA का पोजीशन मत लाइए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि JNUTA के GBM में वाइवा का नंबर कम होना चाहिए, ये रेजुलेशन आप टेबल करा दीजिए, हो सकता है ये रेजुलेशन हार जाए। तो नो नो नो, ये JNUTA तो एक समझदारी से चलता है। हमने मैम तब फिर आपको क्यों समझा रहे हैं, जब आपकी एक समझदारी है तो इधर की एक समझदारी है, और इसका मतलब है कि ये दो समझदारी के बीच की लड़ाई है। ये दो समझदारी क्या है, समझदारी है क्या, ब्राह्मणवाद के पक्ष की समझदारी है और ब्राह्मणवाद के खिलाफ की समझदारी, और ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप एंशिएंट इंडिया में चले जाइए, चाहे चरवाक का ट्रेडिशन हो, चाहे बुद्धा का ट्रेडिशन हो, चाहे आदिवासियों का ट्रेडिशन हो, इस देश के अंदर दलितों के संघर्षों का ट्रेडिशन हो, ये लड़ाई अनवरत रूप से चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वाइवा का नंबर 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तब भी ये लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि 10 नंबर में भी डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जातिगत भेदभाव है, 10 नंबर करने से वो जातिगत भेदभाव कम होगा, तो बच्चे ज्यादा आएंगे, बच्चों को नहीं रोका जाएगा। और ये तमाम बातें जो कई सेक्शन है, एक तरफ JNUBC है जिनका नेतृत्व मिला पुनिया जी कर रहे हैं, क्योंकि मिला पुनिया जी आजकल BC से भी बड़े पदाधिकारी हो गए उनके नजर में, एक सेक्शन ये है, दूसरा ABVP है, तीसरा यूनियन के लोग हैं, चौथा JNUTA है, और पांचवा सेक्शन जो यहाँ पर है। अब सोचिए ये लड़ाई कितना कठिन है, ये जो चार सेक्शन है
खिलाफ है या फिर सवालों को लेकर के उदासीनता है। और जब उदासीनता बोलते हैं तो मौन सहमति भी एक सहमति होती है। जब नरसंहार चल रहा हो, जब दंगा चल रहा हो और अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब आपका जो ओपिनियन है, आपकी समझदारी है, वो दंगा करने वाले के पक्ष में। जब आप उदासीन होंगे, चीन रुकने का कोई पोजीशन नहीं है, इसका मतलब है कि जो सोशल जस्टिस के खिलाफ जो लोग हैं, आप उनके तरफ। ये पूरी तरह से साफ है। इसीलिए ये लड़ाई कठिन है, ये लड़ाई और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। जो भी फैसला होगा हम लोग कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे। और इन्हीं सारे सवालों के साथ जो लीबिया के बड़े क्रांतिकारी बुजुर्ग नेता हुआ करते थे उमर मुख्तार, वो कहते हैं कि या मरेंगे या जीतेंगे। इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि लड़ाई आगे चलेगी, लड़ाई को लड़ेंगे या जीतेंगे या मरेंगे। इन्हीं सारे सवालों के साथ इन